इतनी मामूली सी चीज के लिए तुमने अपनी जान दांव पे क्यों लगा दी? तुम्हारी कोई चीज मामूली कैसे हो सकती है? नाम क्या है तुम्हारा? राजू। राजू नाम है मेरा। भैया इससे पहले कहाँ काम करते थे? अमित जी के यहाँ। किसके यहाँ? अमित जी बच्चन जी। अमित देहाती गवार तो मैं हूँ लेकिन इन लोगों का काम तो आ रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया ना तो ये लोग ऐसे जमा हो गए जैसे चिड़ियाघर में कोई नया जानवर आ जाता है ना तो उसे देखने के लिए बच्चे कैसे जमा हो जाते हैं। लेकिन मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, फिर भी ये लोग हंस रहे। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। जानना चाहती हूँ मैं चोर क्यों बना, किसने बना, किसने बनाया मुझे? हम समझ गए कि इस घर से हमारा दाना पानी उठ चुका। अरे बड़ी सीधी सी बात है साहब जी, मगर कृष्णा के समझ में आ जाई है कि गरीब की किस्मत उस पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है मगर हमें सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे जाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं रात में जाओ, रात में। बड़ी कलेजे में ठंड लगते हैं। हर नैना भाभी ने हमको कुत्ता बोला, कुत्ता, हम वो भी सह गए। मगर आज आज साहब जी ने जब हमको चाटा मारा तो हमें या नहीं या लगा या। हमें अपने गरीब होने का दुख नहीं था मगर आप पैसों वालों के बीच आकर हम बहुत शर्मिंदा हुए। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले। एक मां थी और उसका एक बेटा था। मां बेटे को बहुत प्यार करती, बेटा हलकट था, वो एक लड़की को प्यार करता। बेटे को बोला कि मैं जो तुझसे मांगूंगी तू मेरे को देगा? क्या बोला तू? बोली जा, जाके अपनी माँ का कलेजा निकाल कर। वो हलकट गया, गया और वो माँ बेचारी सो रही थी। उसने जाकर उसकी छाती में खंजर से वार किया और मां का कलेजा निकाल लिया और लेकर दौड़ा उस लड़की के पास। एक ठेस लगी और थोड़ा जमीन बचाया। और जानता है बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी?